गाइज नेचुरली मसल बिल्ड करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और ये कितना स्लो प्रोसेस है इस बात से ज़्यादातर लोग वाकिफ नहीं है। और ऐसे में मार्केट में जब कोई सप्लीमेंट प्रोडक्ट या फिर पर्सनल ट्रेनर क्विक रिजल्ट्स प्रॉमिस करता है तो कई लोग उनकी बातों में आके अपने कीमती पैसे गंवा देते हैं। ये फिटनेस इंडस्ट्री में पैसा बनाने के लिए लोगों को चुतिया बनाना जरूरी है क्या? क्या हाल है गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ फ्रॉम हाइपरट्रॉफ, और इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि आप नेचुरली कितनी मसल बिल्ड कर सकते हैं, एक महीने में, छः महीने में, एक साल में, और अपनी पूरी लाइफ टाइम में आप कितनी मसल बिल्ड कर सकते हैं, और आप क्या रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मसल गेंस का। और गाइस मेरा मानना है कि इस रियलिटी का एहसास होना हर बंदे को ज़रूरी है, ताकि एक तो वो फॉल्स मार्केटिंग से बच सके और वो जिम में जो एफर्ट करे उससे वो रियल एक्सपेक्टेशंस रखे। गाइस इस सवाल का जवाब कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसमें से मेन फैक्टर्स हैं कि आप ऑलरेडी कितने टाइम से ट्रेन कर रहे हैं और कितनी मसल बिल्ड कर चुके हैं, आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, और ऑफ कोर्स आपकी जेनेटिक्स। घबराइए नहीं गाइस, इस वीडियो को मैं बहुत सिंपल रखूँगा, और चाहे हम सब में जो भी डिफरेंसेस हो उनके बावजूद हम सभी पे सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो गाइस सबसे बेसिक फंडा मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की मसल गेनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। आप अपने लाइफ टाइम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल ही बिल्ड कर पाएंगे, और इसको कहते हैं आपका जेनेटिक पोटेंशियल। और जितने नए होते हैं आप ट्रेनिंग के लिए, जितने दूर हैं आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल से, उतना जल्दी आपकी बॉडी मसल गेन करती है। यानी कि शुरुआत में जब आप जिम जाते हैं अपने पहले साल में, तब आपका जो रेट होता है मसल गेन का, उससे तेज़ रेट आपका कभी नहीं होगा जीवन में, और हमेशा ये रेट धीरे ही होता जाएगा। जैसे जैसे आप टाइम के साथ मसल बिल्ड करेंगे और अपने जेनेटिक पोटेंशियल के नज़दीक पहुंचेंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी मसल गेन करना और स्लो करती जाएगी। यहाँ गाइस अगर हम एवरेज नंबर्स की बात करें तो बहुत ही फेमस मॉडल है लाइल मैकडोनल्ड का। लाइल मैकडोनल्ड एक बहुत ही पॉपुलर रिसर्चर और कोच हैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सैकड़ों लोगों को ट्रेन करके और सब्जेक्ट को स्टडी करके ये नंबर्स पाए हैं कि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में हैं तो आपकी बॉडी महीने का मैक्सिमम 2 पाउंड्स मसल गेन कर सकती है, और साल का मैक्सिमम 20 से 25 पाउंड्स। सेकेंड ईयर में ये रेट भी हाफ हो जाएगा और आपकी बॉडी मैक्सिमम महीने का 1 ही पाउंड गेन कर पाएगी, साल का मैक्सिमम 10 से 12 पाउंड्स। थर्ड ईयर में ये रेट भी हाफ हो जाएगा और आपकी बॉडी मैक्सिमम 1 महीने में 0.5 पाउंड्स गेन कर पाएगी, और साल का मैक्सिमम 5 to 6 पाउंड्स। और फोर्थ ईयर में तो और कम हो जाएगा, साल का बचेगा मैक्सिमम 2 से 3 पाउंड्स। और गाइस ये जो रेट्स मैंने भी आपको बताए इनको आप मैक्सिमम मान के चलिए, यानी अगर आप बिगनर हैं तो 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाउंड मसल आपकी बॉडी बना सकती है बेस्ट केस में, अज्यूमिंग आपने ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और स्लीप सब कुछ कंसिस्टेंटली सही किया है। इनफैक्ट गाइस मसल गेन करते वक्त थोड़ा फैट गेन तो होना ही है, तो मैं कहूँगा आप थोड़ा कंजर्वेटिव लेके ही चलें और महीने का 1 किलो से ज़्यादा मसल गेन करने का गोल कभी ना रखें। उसमें थोड़ा फैट होगा, 1.5 पाउंड्स भी आपने मसल गेन कर लिया तो आप खुशी मनाइए, अच्छा रेट है। वहीं गाइस फीमेल्स के लिए ये रेट हो जाते हैं हाफ, सारे नंबर्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम महीने का 1 पाउंड मसल फीमेल्स गेन कर पाएंगी, और साल का मैक्सिमम 10 to 12 पाउंड्स, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो रेट्स भी हाफ हो जाएंगे कुछ इस तरह। तो अगर हम यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करें आपके मसल गेन्स का नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जर्नी में टाइम के साथ, तो फर्स्ट ईयर में आप सबसे ज़्यादा गेन करेंगे, लगभग लीनियर चलेगा ग्राफ, उसके बाद आपका गेन करने का रेट और धीरे हो जाएगा और ग्राफ थोड़ा धीमे होने लगेगा। सेकेंड ईयर के बाद वो रेट भी हाफ हो जाएगा, ग्राफ और धीरे हो जाएगा। फोर्थ ईयर तक आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के थोड़ा नज़दीक आ चुके होंगे, और उसके बाद ये रेट और स्लो हो जाएगा। अगर आपकी जेनेटिक्स थोड़ी बिलो एवरेज है तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बस आपका जेनेटिक पोटेंशियल थोड़ा नीचे होगा और आपके सभी रेट्स थोड़े स्लो होंगे। और इसी तरह अगर आपकी जेनेटिक्स थोड़ी अच्छी है तो आपका जेनेटिक पोटेंशियल रहेगा थोड़ा ऊपर और सभी रेट्स रहेंगे थोड़े थोड़े ज़्यादा, पर ग्राफ ऐसा ही रहेगा। एक और यहाँ फेमस मॉडल है मार्टिन मर्केन का। मार्टिन मर्केन का इस वही बंदा है जिसने इंटरमीडियंट फास्टिंग को पॉपुलराइज किया बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में, और इनका एक्सपीरियंस सैकड़ों बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करने के बाद ये कहता है कि कोई भी बंदा अगर जेनेटिक पोटेंशियल रीच करता है और जाके स्टेज पे कॉम्पीट करता है तो 5% बॉडी फैट पे उसका वेट होता है लगभग उसकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, यानी अगर उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर्स और कभी फ्यूचर में जाके वो स्टेज पे कॉम्पीट करता है और अपना जेनेटिक पोटेंशियल रीच करता है तो वहाँ उसका वेट 5% बॉडी फैट पे होगा 70 kgs। और गाइस एक और फेमस मॉडल है जिसकी यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं, और वो मॉडल है डॉक्टर केजी बट का। डॉक्टर केजी ने 6 साल तक लगातार बॉडी बिल्डर्स पर रिसर्च करने के बाद एक फॉर्मूला निकाला है जो कि यूज़ करता है आपके एंकल सरकमफ्रेंस, रिस्ट सरकमफ्रेंस और आपकी हाइट का, और आपको एक
तरफ वैल्यू निकाल के देता है आपके जेनेटिक मस्कुलर पोटेंशियल की। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ओवरऑल नंबर्स गाइस वैसे ही आएंगे, महीने का 2 पाउंड मैक्सिमम फॉर बिगिनर्स, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं ये रेट्स हाफ होते जाते हैं। तो अगर आप महीने का 2 पाउंड मसल गेन कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके बाद और कैलोरीज खाएंगे और वर्कआउट करेंगे तो आप और मसल गेन कर लेंगे। नहीं, ये लिमिट है आपकी बॉडी की, और इसके बाद आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं तो वो सीधा का सीधा आपके फैट स्टोर्स में जाएगी। इसी तरह कई लोग ये गलती करते हैं कि अपने सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में वही रेट एक्सपेक्ट करते हैं मसल गेन का जो उनका फर्स्ट ईयर में हुआ था, और वो हो नहीं सकता नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। वहाँ वो लोग ज़्यादा कैलोरीज खाने लगते हैं और फिर वहाँ पे वो फैट गेन कर लेते हैं। ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि ये प्रोसेस कितना स्लो है, आप एक साल में कितनी मसल गेन कर सकते हैं, और फॉल्स मार्केटिंग में जो वादे होते हैं उनको मैं उम्मीद करता हूँ आप दूर से ही पहचान लेंगे। ऑल्सो भाई, जो इस रियलिटी से वाकिफ नहीं होते हैं लोग, वो लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने दिमाग में रखते हैं, और वहाँ से दो नुकसान हो सकते हैं। पहला कि वो लोग बीच में ही क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको उनके एफर्ट्स का रिजल्ट धीरे मिल रहा होता है, जो कि असल में धीरे ही मिलना है। और दूसरा, कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं बिना नॉलेज के, और उससे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा हार्म हो जाती है। और गाइस, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनसे। उनका फेवरेट एक्टर 4-5 महीने में 10 किलो मसल गेन कर लेता है, और उन्हें लगता है कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। गाइस, मैं यहाँ बता दूँ कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत प्रेवलेंट है। मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा कि कौन यूज़ करता है और कौन नहीं करता है, और वो एक चॉइस है। ऐसा नहीं है कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं या कम मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी पूरी मेहनत लगती है, पर उनके साथ एक पूरी टीम होती है। और अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं गाइस, तो जो रेट्स मैंने भी आपको बताए लगभग उसी रेट के आसपास आपका मसल गेन रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियोस डालता रहूँगा। और हाँ, अगर आपको अपना डाइट और वर्कआउट सेट करना है, चाहे आपका जो भी गोल है फैट लॉस या मसल गेन उसके हिसाब से, तो मेरी ईबुक आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ 25 पेजेस की है, लिंक मैं बायो में छोड़ दूंगा, मेरे ब्लॉग से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो गाइस चलता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।